शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो एक रुपए कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से शुरू। वैसे तो कार्तिक महीने में जो 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की भूमि में कोसी कला में जो शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें हम वर्णन करेंगे ही गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में। फिर भी और हमारा निवेदन, जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि में कार्तिक महीने में पहली बार शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं वो बड़े भाव से सुनने के लिए अवश्य पधारें। जो उसके नजदीक में रह रहे, जिनको ब्रज रज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जित कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवदिदे महादेव के ऊपर, ये 2 जगह अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है, देवदिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया।